बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनी फैशन पॉइंट में आप सब देखने वालों को दिल से वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ ट्राउज़र शलवार प्लाजो में इलास्टिक लगाने के लिए इलास्टिक का साइज़ कितना होना चाहिए। बहुत से लोगों को ये मसला होता है ट्राउज़र में जब उन्होंने इलास्टिक लगाना होता है तो इलास्टिक का साइज़ ठीक से मालूम नहीं होता है। तो आज की वीडियो में तीन बहुत ही आसान तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इलास्टिक का साइज़ मालूम करने के। जो भी तरीका आपको पसंद आता है, आसान लगता है और ठीक से समझ आता है, उस तरीके को आप फॉलो करके किसी भी साइज़ के ट्राउज़र में इलास्टिक बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप लगा सकते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो ट्राउज़र पे से इलास्टिक का साइज़ लेने का तरीका है। सबसे पहले आपने जिस भी ट्राउज़र का साइज़ लेना है उस ट्राउज़र को आपने इस तरह से रख लेना है। ये देखें, इस तरह का इलास्टिक लगाने का साइज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह मैंने ट्राउज़र को रख लिया है। बिल्कुल बराबर आपने ट्राउज़र को रखना है। इस तरह से ये ट्राउज़र का इलास्टिक है और इसे आपने खींचना नहीं है। जब आपने नाप लेना है तो आपने इसे खींचना नहीं है, इस तरह से आपने रखना है। और उसके बाद आपने इंचेस टेप को लेना है और उसे आपने इस तरह से एक साइड पे रखना है और यूं नापना है। तो यहाँ पे जो मेरे पास आया है साइज़, ये देखें, वो 12 इंच आया है। अब आपने 12 को इस तरह से फोल्ड करना है, डबल करना है, तो ये हो गया 24। तो ये टोटल जो साइज़ है वो 24 है। एक इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के मार्जिन के लिए, तो यहाँ पर हो गया 25 इंच। तो पहला तरीका ये हो गया, आप इस तरह से ट्राउज़र से नाप ले सकते हैं। ट्राउज़र को आपने खींचना नहीं है, जिस तरह इलास्टिक रखा हुआ है इस तरह ही लेना है। अब दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आपने इंच टेप को लेना है और आपने उसे अपनी वेस्ट पे रखना है, ठीक है, जहाँ पे भी आप ट्राउज़र बांधते हैं वहाँ पर आपने इंच टेप को रखना है और गोलाई में घुमाना है। बहुत ज़्यादा आपने टाइट भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा आपने खुला भी नहीं रखना इंच टेप को, ठीक है, बिल्कुल बराबर आपने रखना है अपनी वेस्ट के साथ। तो वेस्ट के साथ आपने रखने के बाद जो भी आपका साइज़ आता है उस साइज़ को आपने लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे पास आया है 35 इंच। तो इंचेस टेप गोलाई में घुमाने के बाद जो भी आपका साइज़ आता है उस साइज़ से आपने अपने हाथ को इस तरह से रखना है कि अंगूठे से छोटी उंगली तक जो भी आपका साइज़ आता है उस साइज़ को आपने माइनस कर देना है और बाकी जो भी बचता है वो आपके इलास्टिक का साइज़ होगा। तो ये भी बहुत ही आसान मेथड है। अब तीसरा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तीसरा तरीका जो है वो क्या है, यहाँ पे जो वेस्ट है वो है 35 इंच। तो 35 इंच में से आपने 5 इंच को माइनस कर देना है। जो भी आपकी वेस्ट आए उस वेस्ट में से आपने 5 इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 35 इंच था, 35 से मैंने 5 को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास जो बचा वो बचा 30 इंच, ठीक है। अब आपने इंचेस टेप को लेना है, ये देखिए ये 30 इंच तक आया है। इसे अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 इंच। तो अब हमने इलास्टिक किस तरह से कट करना है वो भी मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। तो अब आपको ये तरीका मैंने बता दिया कि वेस्ट अगर है 35 इंच तो 35 इंच में से आपने 5 इंच को माइनस कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 इंच। तो हमने जो टोटल इलास्टिक लेना है वो 30 इंच का लेना है, ठीक है। जो भी आपकी वेस्ट है उसमें से आपने 5 इंच इलास्टिक का कम कर देना है। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से मैंने इलास्टिक को रखा और ये देखें, इस तरह से मैं रखूँगी और ये 15 इंच पर मैं निशान लगा के, ये देखें, यहाँ पे अभी हमने इलास्टिक को कट नहीं करना, यहाँ पे मैं 15 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। 30 का हाफ किया तो 15 हो गया और अब यहाँ से ही मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी, इस तरह से, और यहाँ पे हमारा इलास्टिक का जो साइज़ है वो आ गया है 30 इंच। अब मैं इस इलास्टिक को कट कर दूंगी। तो ये भी बहुत ही आसान मेथड है। इस मेथड को भी आप फॉलो करके किसी भी साइज़ के ट्राउज़र में इस तरह से इलास्टिक का साइज़ लेके इलास्टिक लगा सकते हैं। तो मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए और घर बैठे आसान तरीके से सिलाई सीखने के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए।
तो कैसी लगी आज की वीडियो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।